बहुत बहुत खुशामदीद। आज का शो बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है और आज हम अपनी कुछ रिवायत है जिसको एक बार फिर से कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी शादियां करवाई हमने, बहुत सारे रिश्ते करवाए हमने, लेकिन उसके बाद फिर ये सिलसिला कुछ रुक सा गया। हमने सोचा कि एक बार फिर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करें और आज इस हफ्ते, स्पेशली इस हफ्ते जब आप लोगों ने देखा कि हमने शादियां भी की और बहुत सारा हल्ला गुल्ला भी किया और बड़ा मजा आया, वो सब कुछ आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए होता ही रहता है, लेकिन जो कहने की बात है वो ये है कि शादी में असल में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है तलाश, लड़का और लड़की की तलाश। सुनते हैं कि जोड़े आसमानों में बनते हैं लेकिन तलाश जमीन पर किए जाते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान का जोड़ा बनाया है, यही वजह है कि हर शादीशुदा जोड़ा आइडियल नजर आता है। और हमारे माशरे में ज्यादातर शादियां जो होती हैं वो अरेंज होती हैं और कहते हैं कि हर काम का एक वक्त होता है, एक सही वक्त मुकर्रर होता है, तो शादी का भी जाहिर सी बात है ऐसे ही एक वक्त होता है। लेकिन हमारे माशरे में बदकिस्मती से ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि शादी के लिए जरूरत होती है एक लड़के की, एक लड़की की, और ये जो लड़का लड़की होते हैं इनकी तलाश की राह में 10,000 किस्म की रुकावटें होती हैं, 10,000 मुश्किलें होती हैं। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लड़के और लड़कियां अपनी होने वाली शरीक हयात के हवाले से अपने जहन में एक इंतहाई हसीन किस्म की तस्वीर सजाए रखते हैं, जैसे कि लड़की के बाल लंबे हों, उसकी आंखें कंची हों, वो दुबली पतली हो, बहुत गोरी हो। अब ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर गोरेपन का जो एक फैक्टर है वो बहुत ज्यादा अच्छा, नाक भी इस तरह की हो, होंठ ऐसे हों, इस तरह की फरमाइशें बहुत ज्यादा होती हैं लड़कों की। आजकल लड़कियों की फरमाइशें भी कोई कम नहीं है, उनको हम टीवी के हीरोज जैसे जो है उनको लड़के चाहिए। अब वो कहाँ से आएंगे, चंद थे वो काम कर रहे हैं बेचारे, उनकी शादियां भी हो गई। बट खैर, कहने का मकसद ये है कि यही एक वजह है शादी का जो पहला मरहला होता है वो नहायत ही नाजुक और नहायत ही मुश्किल होता है। शादी तय करना कोई आसान काम नहीं है, शादी दरअसल दो फैमिलीज के दरमियान मिलाप की चीज है। और बात सिर्फ लड़के और लड़की के पसंद आने की नहीं होती, बल्कि जब वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो उसके बावजूद उनके घर वालों को पसंद आना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लड़के की बहन को अगर लड़की पसंद नहीं आई, या लड़के की माँ को अगर लड़की की कोई खूबी पसंद नहीं आई, तो वो शादी फिर जरा मुश्किल में पड़ जाती है, खटाई में पड़ जाती है। मैंने सोचा आज मैं अपने शो में कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाऊं, कुछ ऐसी लड़के और ऐसे लड़कियों को बुलाऊं जो शादी के ख्वाहां हैं, और उनसे हम बात करें इस हवाले से कि आखिर वो क्या देखना चाहते हैं अपने आइडियल में, किस किस्म का लड़का या किस किस्म की लड़की वो ढूंढ रहे हैं, और उनकी इस मुश्किल को आसान करें। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं, हम आपकी भी मदद करना चाहेंगे जितना हमारी टीम से हम लोगों से हो सकता है। और अगर किसी किस्म के मसले का सामना है आपको शादी के हवाले से अपने किसी बच्चे की, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे पहली मेहमान जिसको मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ, म्यूजिक से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। उनकी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, जैसी वो खुद खूबसूरत है आवाज़ भी उनकी वैसी ही खूबसूरत है। आज यहाँ पर आएंगी और बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ शुरुआत करेंगी। प्लीज वेलकम पिंकी, तालियां। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजो कल्या बैके रोंदे नैन निमोने, जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनु समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनु समझावा की वे चंगा नहीं ओ कीता बीबा, वे चंगा नहीं ओ कीता बीबा, दिल मेरा तोड़ के
वे बड़ा पछताया खा, वे बड़ा पछताया खा, तेरे नाल जोड़ के तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी, मैं तेनु समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी। क्या बात है भाई, बड़ा दुख भरा आपने सुबह सुबह गाना हमें सुनाया। आपने माहौल ही ऐसा रखा है, शादी की होती है, झगड़े की होते हैं। मैंने कहा भाई मैं तेनू समझावा, मुझे एक बात बताओ, समझा मतलब क्या चाह रही है आप, शादी ना करें लोग बेसिकली, ये ना मकसद ना, ना, ना करें। आर यू सीरियस, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप बताएंगे। मैं क्यों बताऊंगा यार, मैं तो खुश हूँ अपनी शादी से। आप लोग खुश हैं अपनी शादी से? आप खुश नहीं है? खुश मैं भी बहुत हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं की वो ना करें। ये क्या बात की, ये क्या बात की, खुश मैं भी बहुत हूँ और शादी भी ना करें, ये क्या आपने बात कर ली? वो खुश रहे, कैसे नहीं किए वो ना ना करें, क्यों वजह? रीजन एमी कोई बात नहीं होती, हमारे जो गेस्ट आएंगे वो बताएंगे क्यों नहीं। नहीं आज आप बताएंगी, गेस्ट तो बाद में बताएंगे, पहले आप बताएंगी। बताइए मुझे कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? नहीं बिल्कुल, आपने क्यों की शादी? अगर आप खुश नहीं अपनी शादी से तो आपने क्यों की शादी? इसलिए मैंने कहा कोई प्रॉब्लम क्या है आपकी शादी में? नहीं यार कोई, मैं खुश हूँ इसलिए कोई और खुश ना रहे। देखिए आप चेक करें, तालियां बजाइए पिंकी के लिए, बहुत बहुत बैठिए पिंकी प्लीज, तशरीफ रखिए। एक कॉलर भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे अपनी एक मेहमान को, जो कि बहुत ज्यादा मदद करेंगे हमारी इन रिश्तों को बनाने में, और जिस जिस के मसाइल हैं जिंदगी के आज कोशिश करेंगे हल करने की। प्लीज वेलकम मिसेज अंजो। कैसी आप? ठीक है, खैरियत से? प्लीज तशरीफ रखिए, प्लीज तशरीफ रखिए। आप शुरुआत करते हैं जी, आज बहुत सारे मामला तय करने हैं हमने, बड़े मसाइल हैं रिश्तों के, स्पेशली हमारे मुल्क में लड़कियों की एक तो तादाद भी ज्यादा है, मर्दों की तादाद वैसे ही कम है, तो रिश्ते हमने करवाए भी पहले भी। क्या समझती हैं आपके, क्या सूरत हाल है आजकल, क्या सोचते हैं वालदैन, क्या सोचते हैं बच्चे, एनी आइडिया? असल में सोचते ही ज्यादा हैं। अच्छा, यहीं से मसला शुरू हो जाता है। अच्छा, वो हर चीज को इतनी ज्यादा सोचा जाता है और उसको फाइनल डिसीजन पे ले ही नहीं आते। अब जैसे पिंकी है, अपनी शादी से खुश नहीं है? नहीं मैं बहुत खुश, लेकिन उनको पता है मैं बहुत खुश। इनको क्या पता यार, आपने ऑनियर बोली है ये बात, मैंने कहा दूसरे ना करें। अच्छा, सुने देख रहे होंगे वो इसको? नहीं जब ही तो बोल रही है तो देखेंगे, जगाते जब ही तो बोल रही है। नहीं 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 पिंकी, आई डोंट एग्री विद दिस थिंग। सही इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, शादी बिल्कुल करनी चाहिए। अभी इसने कहा शादी नहीं करनी, मैंने कहा था। अब वो ड्रामेबाजियां के मैं खुश हूँ तो दूसरे खुश क्यों रहे? नहीं, अब ये बात हो रही है, हर शख्स को राइट है खुश, और खुश रहना तो आपके अपने हाथ में है ना, दूसरों तो खुश को नहीं है ना, तो फिर तो शादी। एक्चुअली आजकल की शादियां बहुत जल्दी टूट जाती है ना, जब मैंने कर ली तब बहुत अच्छा। लेकिन आप खुश क्यों नहीं है? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आजकल शादियां टूट जाती है, इसलिए मैं कह रही हूँ लोग ना करें। जो आज टूट जाती है वजह वजह बता रही है ना, तुम बताओ वजह, तुम्हें सब पता है, तुम बताओ। अगला गाना? नहीं गाना नहीं बेटा, आज तो आज रात, अच्छा रात को 1:30 बजे रिपीट होता है ये शो, तो जो सो रहे हैं आज रात वो रात को 1:30 बजे उठ के देखे इसको। अच्छा मेरे साथ मुझे ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बात बड़ी सही करी पिंकी, आजकल शादियां बहुत जल्दी टूट जाती हैं। आई थिंक पिछले 8-9 साल में, जो 8-9 साल पहले जो शादियां हुई हैं वो फिर भी कदरे बहुत बेहतर शादियां थी। जो रिसेंट टाइम्स हम देख रहे हैं 1.5-2 साल में, जितने भी जानने वाले इधर उधर के लोग, बड़ा फर्क है लोगों में, शायद टॉलरेंस नहीं रही है, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं, स्टैंडर्ड्स बदल गए हैं। पहले से ही लड़का ऐसा चाहिए जो कि बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड हो और ये सारी चीजें हो, साथ ग्रो करने की कोई बात नहीं है। ये क्यों हो गया अचानक से इस तरह के? ये देखो कुछ कल्चर में चेंज आया है, और इसमें सबसे देखो टॉलरेंस तो ऑब्वियसली बच्चों में कम हो गई है, और ये भी बहुत एक ज्यादा उनको अब ये हो गया है कि कोई बात नहीं हम डिवोर्स ले लेंगे, दूसरी आराम से शादी हो जाएगी। या वो लोग लड़कियों को बहुत इजी अब एक अप्रोच हो गया है। अब जो यंग जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं कुछ परसेंटेज, वो माइंड भी नहीं करते कि कोई बात नहीं डिवोर्सी है, हम भी डिवोर्सी हैं। हमारा टाइम था कि ये तो बहुत बड़ा टैबू था। हाँ, बिल्कुल। ये अब ऐसा कोई टैबू नहीं। तो मैंने ये भी देखा है कि एक दोस्त डेट कर रहा है, 6 महीने उसने डेट की, 7वें महीने में दूसरे दोस्त ने शादी कर ली उसे। हाँ हाँ, ये भी बड़ा अच्छा भाई। जो ये बच्चों में यंग जनरेशन में ब्रेकअप का जो हुआ है कॉन्सेप्ट स्कूल, हाँ वेरी स्वीट है ना, वो उनकी गर्लफ्रेंड बच्चों में चेंज होती है, वो ब्रेकअप हो गया, वो ब्रेकअप हुआ तो दूसरे फ्रेंड के साथ पासिंग द पिलो खेल रहे हैं। हाँ हाँ,
तो इसी तरह देखो वो उसी कल्चर में लड़के लड़कियां जो पल बढ़ रहे हैं, जो उनके लिए डिवोर्स लेना बहुत इजी है, वो बड़े आराम से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चेंज कर रहे होते हैं, दूसरा उनके फ्रेंड्स भी इस चीजों को आराम से जी जी ठीक है कुछ, ये बहुत लिमिटेड लोग हैं जो ये कर रहे हैं। हर जगह डिवोर्स नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, बच्चियां जो है अच्छे से गुजार रही हैं, आदमी भी बहुत चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं जैसे एक होना चाहिए हर रिलेशनशिप। जैसे पिंकी है बर्दाश्त कर रही है, पिंकी बर्दाश्त कर रही है, अब तो बेटा तुम मक्खन लगा रही हो, आज पूरा दिन बस पिंकी पूरा, अब तो कुछ भी कर लो। रात को 1:30 बजे शो रिपीट होता है और शो की शुरुआत की कॉन्वर्सेशन जरूर सुनिएगा, हम बाहर होंगे। अच्छा पिंकी, आपने इर्द गिर्द देखती हो लड़कियां बहुत सारी हैं, क्या लगता है लड़कियों को क्या चाहिए आजकल? क्या चाहिए लड़कियों को? मुझे नहीं, मुझे अभी तक लड़कों का तो मुझे पता है कि क्या चाहिए, वो कहते हैं गोरी होनी चाहिए, लड़कों को छोड़ दो लड़कियों के बारे में बात करो, लड़कियां निभा लेती हैं, कर लेती हैं शादी। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, लड़कियां बहुत डिमांडिंग, बस पैसा होना चाहिए, ये कहती हैं। नहीं नहीं, पैसे के अलावा लुक्स भी होनी चाहिए, बहुत अच्छा आवाज भी अच्छा जैसा होना चाहिए, फाज जैसा होना चाहिए, ऐसे ही होता है ना। मुझे तपाने के लिए पहले फैसल का नाम लिया, फहद जैसा देख रहे हैं आप यार, देखो यार क्या बात, फहद मेरे पास तो जो मदर्स, दो तीन मदर्स आके कहती हैं सुने मेरा बेटा बिल्कुल फहद जैसा है। स्वीट। मैंने कहा उसको क्या कमी होगी लड़कियों की? यार मेरे अब्बा जो है ना बड़े नॉटी आदमी। अच्छा, ओह माय गॉड, आई कांट टेल यू, बट कहने का मकसद ये है जनाब कि खवातीन के स्टैंडर्ड्स वाकई तब्दील हो गए। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मैं बहुत सारी चीजें ऐसी नोट करता हूँ कि लड़कियां ये जानते हुए भी कि एक आदमी शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, बट येट यू नो दे आर विलिंग टू ट्राई, कोशिशें जारी रहती हैं। वाई? क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड आदमी नजर आता है जो कि सेट है, जिसके साथ कोई मसाइल नहीं है, तो उसमें भी खुश तो है, वो सेट आदमी को सेट करना एग्जैक्टली ये एक ये है, ये फैक्ट है। शायद जो दूसरे लड़के होंगे जो कि इस वक्त स्ट्रगलिंग फेज में अपनी चल रहे हैं जिंदगी में, जाहिर सी बात है आप स्टार्ट करते हैं 30-35 हज़ार की नौकरी से, आप स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, वो लड़के फिर कहाँ जाएं? अब अगर आप पहले से ही 1,000 रुपए का बड़ा नोट नजर आना शुरू हो जाता है ना जब कुछ मर्दों की शक्लों में, ऐसा क्यों है? सोच क्यों तब्दील हुई है? माँ बाप की वजह से? परवरिश सही नहीं है? नहीं, परवरिश तो सही, देखो परवरिश तो हर कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत एथिक्स नहीं सिखाता, वो अपने बच्चों को, लेकिन फिर ये पीयर प्रेशर होता है। एक फ्रेंड है, वो अगर किसी इस किस्म के रिलेशनशिप में है एक अमीर आदमी से, वो उसको जाके औरतों को गिफ्ट दिखाती है कि वो मैरिड है, फिर भी वो इस किस्म के गलत रिलेशनशिप में है मेरे साथ, तो वो इंस्पायर होती है। ये वो औरतें करती हैं जिनको अपने घरों में ये चीजें नहीं मिल रही होती हैं, है। ये लालच का फैक्टर होता है, और ऐसी औरतें यकीन करो फाज जिंदगी में कुछ नहीं करती, ये हर रिश्ते में फेलियर होती हैं। तो ये जो इस किस्म की गलत चीजों से एक्सपायर होके कुछ भी किया जाए जिंदगी में, उसका एंड रिजल्ट बिल्कुल सही नहीं है। बहुत सारी खवातीन ये सोच के किसी बूढ़े आदमी से शादी कर लेती है, 2 साल में मर जाएगा, वो मर जाती है, वो नहीं मरता। हाँ, वो नहीं मरता। तो और इनके दिन और फहद, अब तो ये भी मैंने देखा है कि जो बड़े बूढ़े हैं बड़ी उम्र के, वो चलो मरे तो नहीं, बहर ऑलमोस्ट बेड रिडन होते, वो अपनी बीवियों के नाम ऐसा कुछ करते नहीं है। आदमियों को भी बहुत सेंस आ गई है कि अगर ये हमसे 20-25 साल छोटी है तो ये हमसे शादी क्यों कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, लाइक इट्स सो ऑब्वियस। एक कॉलर मेरे साथ है ऑस्ट्रेलिया से, उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान की सोच तो जी काफी हद तक तब्दील हो चुकी, नॉट दैट कि हर बंदे की हर बंदी की सोच तब्दील हुई है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि बाहर क्या सिचुएशन है, बाहर लोग क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है फहद भाई? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप खैरियत से हैं? कॉल कट गई, एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है फहद भाई? बिल्कुल ठीक ठाक सादिया, आप कैसी हैं? ठीक है। हेलो सादिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है फहद भाई। जी मुझे पता। और माशाल्लाह आप बहुत प्यारे हैं। जी भी मुझे पता। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपकी शादी हो गई है? सही। तो भाई ये मेरी बेटी है, छोटी सी है। माशाल्लाह। तो ये ना रैम्बो भाई से बात करना चाहती है, 2-3 मरतबा से नंबर मांगा, लेकिन प्लीज ये देखें बीमार है, पड़ी हुई आ जाना स्कूल जाती है, तो वो रैम्बो भाई की शादी हो गई, अंकल से बात कर। छोटी बच्ची है। अच्छा
मैं आपको अभी नंबर हम दिलवा देते हैं, आप हमारी टीम से ले लें नंबर और उनसे आप बात भी कर सकती हैं। जाहिर सी बात है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना जी, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर ये लड़कियां लड़के तब्दील क्यों हो गए हैं, इतने मटेरियलिस्टिक क्यों हो गए हैं आजकल लोग, रिश्ते में सिर्फ हम फाइनेंस को क्यों ढूंढते हैं और इज्जतें रिवायतें वैल्यूज वो सब कहां से निकलेंगे जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जागो पाकिस्तान, जागो में एक बार फिर खुशामदेद। और क्योंकि बातों का सिलसिला जारी है लेकिन साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और जब पिंकी यहाँ पर हैं तो हम उन्हें बगैर कुछ उनसे सुने हम कैसे रह सकते हैं। पिंकी आप तैयार हैं? इस गाने पे तालियां रुकेंगी नहीं, तालियां नहीं, म्यूजिक नहीं है तो तालियां ऐसे वाली, ऐसे वाली है। तो चले आप शुरू करें फिर हम वैसे। वे सुने ते कंगना सादाई को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जया, वे सुने ते कंगना सौदाई को जया, दिल देना ते दिल देना ते दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जया, तू मेरी मेरे ढोलना बन गया तकदीर वे, तू मेरी मेरे ढोलना बन गया तकदीर वे, मैं हुण बन जाना तेरी तस्वीर वे, मैं हुण बन जाना तेरी तस्वीर, तेरे प्यार विच तन मन रंगना सौदाई को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जया। क्या बात है, इतने खूबसूरत गाने शादियों में मेहंदियों में बजते हैं, रुखसती के टाइम पे बजते हैं, उससे पहले ढोलकियां मायों ये सब कुछ हो रहा होता है और शादी के दो एक महीने के बाद पता चलता है कि जनाब सेपरेशन हो गई, तलाक हो गई, लड़की घर वापस आ गई। सो आई पर्सनली थिंक कि वो सिर्फ लड़के लड़कियां आजकल एक्साइटेड होते हैं उस एक इवेंट के लिए जो कि उनके इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज किया जाता है, अटेंशन सीक करते हैं और अचानक से उसके बाद समझ नहीं आती कि ये क्या हो गया। ऐसा क्यों लगता है आपको पिंकी, सिर्फ उसी टाइम पे एंजॉय करते हैं फिर बाद में जो है सारी चीजें खराब हो जाती है, व्हाई इज दैट? तुमसे कुछ है? आप बताए ना, ज्यादा एक्सपीरियंस है। शादी शुदा तो तुम भी हो? मेरी तो निभ रही है ना, चल रही है। उनकी निभ नहीं रही क्या? उनके तो आज मियाँ की बर्थडे, आप विश तो करें अपने मियाँ को। कर दे हैप्पी बर्थडे कामरान, मे यू हैव मेनी 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 मोर। क्या बात है, विद मी। कौन विद मी? अब सवाल फिर भी आप ही से करूंगा जी, बताइए। एक ऐसी खातून से सवाल कर रहे हैं जिनको नहीं पता कि क्यों टूटती है शादी। अफसोस होता है लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, क्या रीजन है। लेकिन मुझे लगता है कि या तो उनकी बनती नहीं, टाइम ज्यादा नहीं लेते शादी से पहले। फाहद तुमने भी नोट किया होगा कि ये अफसोस दूसरों को होता है, जो खत्म करते हैं उनको बिल्कुल अफसोस नहीं होता। वो कहते हैं वी आर बेटर ऑफ। कुछ लोग हैं जिनको मैं पर्सनली, लाइक मेरी उम्र की भी खवातीन मुझसे थोड़ी सी छोटी, उनकी डिवोर्स हुई तो उन्होंने स्टेटस, जब लीगल हो गया उन्होंने स्टेटस डाला अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट स्वीटनेस इन इट। लेकिन मैं बताऊं पिंकी, आप सुन के हम लोगों को होता है हाय उनकी हो गई, वी फील सैड। दूसरे लोगों को अफसोस होता है, उन बंदे बंदियों को कभी अफसोस नहीं होता। तो मुझे एक बात ये बताइए, इज इट ऑल बिकॉज ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर एंड ऑल दैट, बिकॉज ऑप्शन इतने ज्यादा बढ़ गए हैं लोगों के पास कि बार बार हर किसी के साथ की तस्वीर देख रहे होते हैं, कौन सिंगल है कौन, ये भी तो एक रीजन है ना बहुत ज्यादा। पहले कोई इतना आसान नहीं था किसी को अप्रोच करना, अब बहुत आसान भी हो गया है। बहुत आसान है, इतनी सारी वेबसाइट हैं, इतना कुछ सब कुछ है और नॉर्मली हर लोगों को पता है, वो कहते हैं व्हाई नॉट ट्राई आउट, जिंदगी एक दफा मिलती है
और हर रिश्ते, अगर आपने रिश्तों को छोड़ दिया तो वो निभाना, तो हर रिश्ते को निभाना है, अपनी औलाद के साथ भी निभाना है, अपने वालदैन के साथ भी निभाना है, तो थोड़ा सा अगर एक्सट्रीम है तो ऑफकोर्स छोड़ दो, या बीवी बहुत एक्सट्रीम है तो छोड़ दो, बिल्कुल हमारे इस्लाम में इजाजत है, सब कुछ है, लेकिन छोटी छोटी बातों में छोड़ के फॉर अ चेंज और अब ये कर रहे हैं, थोड़े दिन उसके साथ खुश होते हैं फिर उसको भी छोड़ देते। एक कॉलर भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं साथ साथ में, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल चली गई, कोई बात नहीं, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारी एक और मेहमान यहाँ पर आ चुकी हैं और बड़ा तजर्बा है उनका, माशाल्लाह, और इतने साल उन्होंने जो है शादियों के शोज भी किए, हमारे साथ भी बहुत सारे शोज के साथ साथ में, लेकिन आज कुछ पर्सनल लेवल पे कुछ उनसे बात करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम अमर खान। हेलो, कैसी हैं आप अमर? ठीक है, प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा आज टॉपिक चल, कहाँ बैठी हूँ, यहाँ बैठी हूँ, यहाँ बैठे, अच्छा मिल ले, बुरी बात है, अच्छा नहीं नहीं आप मिल ले, अच्छा अमर सवाल है, सवाल है 10 करोड़ का, वहीं बैठ जाओ, हाँ वहीं बैठ जाओ। मुनासिब रिश्तों की तलाश जो है वो बड़ा मुश्किल है आजकल, और हर आदमी जो है कुछ कुछ बहुत आला चाहता है कि मतलब लड़की चाहिए, बहुत कमाल चाहिए, बहुत खूबसूरत चाहिए, और लड़कियों को बड़ा अमीर आदमी चाहिए, सेट चाहिए आदमी, ऐसा कि कब होगा, इतनी आइडियल सिचुएशन तो है नहीं, लोग एक साथ क्यों नहीं ग्रो करना चाहते, सब कुछ पहले सेट क्यों चाहते हैं? बेसिकली देखिए, ख्वाहिशात तो हर इंसान में होती है, उसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन ख्वाहिशात जायज होनी चाहिए, ये भी सोचना चाहिए। हम लोग आजकल स्पेशली जब टीन एज दौर में होते हैं लड़कियां, तो एक फैंटेसी वर्ल्ड में हम रहते हैं, जो हम फिल्मों में देखते हैं ना कि वो प्यार है और एक दूसरे के लिए मरने को तैयार, ऐसा कुछ नहीं होता हकीकत लाइफ में। मेरे ख्याल से बहुत खुश नसीब वो लोग होंगे जो दो लोग एक दूसरे से इतना टूट के प्यार करें, और बहुत कम है। आज तक किस मियां ने अपनी बीवी को देख के गाना गाया होगा मैं तेनू समझावा की, कभी नहीं ना गाया, ये जो गाया नहीं, नहीं गाया है, नहीं गाया है ऐसा, लेकिन फायदा कुछ नहीं, नहीं नहीं देखो टेम्परेरी गाया होगा, थोड़ा सा पी के गा लिया होगा, थोड़ा सा ये रीजन होगा, बहुत कम ऐसे, इसका रिश्ते से कोई ताल्लुक नहीं है, इंसान की पर्सनालिटी होती है हर इंसान का, कुछ मियाँ कुछ आदमी होते हैं बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं जो अंदर अंदर कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन उनको ख्याल है अपनी बीवी का, कुछ लोग होते हैं गाना गा लिया, सबके सामने रोमांस कर लिया, लेकिन अंदर क्या है वो आपको पता है, बीवी को पता है, वो नहीं है, जरूरी नहीं कि बहुत जेन्युइन होंगे, डिफरेंट वेरिएशन है, लेकिन रिश्ते का इससे कोई अभी ताल्लुक नहीं है हमारा, जैसे कि कौन कैसा है, बेसिकली होना ये चाहिए रिश्ता, एक तो ये कि अगर लड़का कम कमाऊ है, लोअर मिडिल क्लास से है, अब लड़की एकदम अगर मोहब्बत हो जाए हाई फाई अमीर घरानी, यहाँ मैच मेकिंग थोड़ा सा डिफर करता है, पसंद भी तो लड़कियों को ड्राइवर आ रहे थे ना आजकल, क्या करें? नहीं, इसलिए क्योंकि ये अभी फैंटेसी वर्ल्ड में है, ये समझते हैं पैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हम दाल रोटी खा लेंगे, लेकिन नहीं है, ये हमने समझना है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, बहुत दैट मींस के कोई प्यार मोहब्बत एग्जिस्ट नहीं करती है, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। मेरा ख्याल नहीं, प्यार होता है, ख्याल होना चाहिए, अच्छा इंसान है ना तो थोड़ा बहुत ख्याल जरूर रखेगा, इंसानियत भी काम की चीज है ना, बहुत सब देखें 50 साल शादी को हो गए, शादी से पहले कैसे पता चलेगा अमर के ख्याल रखेगा, गैम्बल, इट्स अ गैम्बल इन अ सेंस के आप दिल की ना सुने, अब दिमाग की सुनो, लेकिन नंबर वो एज होती है जो आप दिल ही की, तो हम बैठे हैं ना, हम तजर्बे के साथ, लोग कहते दिल की सुनो दिमाग की नहीं, तो हम बैठे हैं ना तजर्बे के साथ, जिन्होंने ठोकरें खाई हैं, तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे ना कि यू हैव टू, क्योंकि ओवरऑल कंक्लूजन आप बिल्कुल सुने, लेकिन आपके बड़ों का इन्वॉल्वमेंट जरूर होना चाहिए, जहाँ पे खानदान भी हो उस लड़के का, आप दिल की बिल्कुल सुने, खानदान हो, घर वाले भी राजी हो, लड़की के खानदान, लड़के का खानदान, स्पेशली लड़की का खानदान, मैं समझती हूँ माँ को जरूर देखो, रहन सहन जरूर देखो, बहुत फर्क पड़ता है, खानदानी लोगों का बात ही और होती है, लेकिन अकेले जैसे कि माँ बाप से हट के मोहब्बत कर ली हम आपको छोड़ देंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है, पेरेंट्स बड़ों का प्रॉपर तरीके से प्यार हो वो होना चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे जब भी डिफरेंसेस आते हैं ना मियां बीवी में, तो कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको समझाए,
कई जगह तो बड़े ही शादियां खराब करते हैं कि मैं बहुत सी जगह बहुत जगह तो ऐसा देखिए वेरिएशन है खराब करते हैं सिचुएशन ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है इसको आप अगर बात करेंगे तो आज बहुत टाइम है इसके बुलाए पिंकी देखें बात ही नहीं कर रही अपने हस्बैंड के बारे में वो मैं आ गई ना बोलने पता है ना लकी आपको नहीं बताया अंबर को बताया क्योंकि आप मेरी सुन ही नहीं रहे मेरी समझ ही नहीं रहे और वो ऑफिस में मुझे मैसेज कर चुके हैं कि मैं सब देख रहा हूँ जब आपसे सवाल पूछ रहे तो आप कह रही मिसेज अंजुम बोलेंगी माशाल्लाह ये ऐसे भी कम होते हैं हैं ऐसे ऐसे हैं मतलब जो गाना भी सुनाया और बिना पिए सुनाया गोटी पी के सुनाया रहा गाना है या बहुत रोमांस सबके सामने मेरे खुद मेरा जो हस्बैंड था मैं खुद कहूंगी यूं क्या कितनी मोहब्बत लेकिन मैं कहूंगी शैतान मैं साबात बैठ के बोल रही हूँ जो लिटरली आई कैन कोट मैं इतना ज्यादा नहीं बात करना चाहती तो ये सब बेकार की बात है मतलब आप वो एक्सेप्शनल केसेस हैं कि इंसान इतना खराब भी हो सकता है इट कैन बी यू नो वाज इट अ लव मैरिज वाज इट अ लव मैरिज वाज अ लव मैरिज तो पता नहीं लगता ना प्यार अंधा होता है ना इसका मतलब अभी आप फेसबुक नहीं बता सकते नहीं बता सकते लेकिन मेरी भी बेवकूफी है मैं हमेशा दिल से सोच कभी दिमाग नहीं इस्तेमाल किया I was that I'm the type of the लड़का जो दाल रोटी भी खा ले और बस जो मियाँ ने कहा कर लिया मियाँ के जूते भी पहना दो टिपिकल घरेलू टाइप ना देखने में होगा बहुत मॉडर्न लोगों के परसेप्शन बिल्कुल अलग होता है हाँ, मुझसे पता मेरी बहन से अक्सर लोग सवाल क्या करते हैं हाँ, कि ये घर में हंसता है आपसे बात करता है यार ये क्या सवाल कर रहे हैं यार आप इसलिए कि फहद नॉर्मली हस्बैंड्स नहीं करते ना हमारे यहाँ तो वो अपने हस्बैंड से कनेक्ट हाँ तो देखो वो जो सवाल पूछती है बड़ा नॉर्मल है मेरे पास मदर्स आती हैं तो उनकी बच्चियाँ जब फॉर्म फिल करती हैं शादी के लिए तो वो कहती है हमें टॉकेटिव हस्बैंड चाहिए जो बात करता हो जो हमसे कम्युनिकेट करे तो उनकी अम्मियों से मैं जरूर मैं कहती हूँ आपके अब्बा यकीनन कम्युनिकेट नहीं करते होंगे कहती है हमने पूरी जिंदगी अपनी अम्मी को देखा कि वो बात ही नहीं करते दफ्तर से आए एक नॉर्मली जो हमारा कल्चर है हस्बैंड रोप में बैठे या तो टीवी या तो वही टॉक शोज देखे खाना खाया ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं तो ये तो हमारे यहाँ का माहौल तो है नहीं अरेंज में नहीं होता सुनो ये लव मैरिजेस में भी होता है अरेंज और लव इससे कोई ताल्लुक नहीं लेकिन शादी के बाद देखो ये अपनी बीवियों से बात नहीं करते बाहर जाके गाना गा लेके जाए हंसे बोले दुनिया के लिए जी रहे होते हैं लेकिन वो अंदर से बीवी जानती है वो वैक्यूम उसके अंदर कि वो हस्बैंड को की कंपनी कितना मिस आप करती है क्यों नहीं अपने हस्बैंड को क्या मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है ना 25 साल हो तो यार इतनी सारी बातें आप लोग कर रहे हो इतने तजुर्बेकार लोग और फिर आप कह रहे हो मेरा हस्बैंड नहीं बेसिकली ये चीज है ना माना या तो शुरू में जब एक आपका रिश्ता होता है आपका शादी से पहले मंगनी का जो टाइम पीरियड होता है उसमें बहुत वो चीज अलग होती है जब आदमी की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं कमाने आता है पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट मनी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक शादी को आगे सबके पास तो नहीं है ना अमर नहीं क्या करें मनी ये नहीं कि बिल्कुल इतना के साउंड के सुकून से बच्चों की स्कूलिंग कर लें अपना मियां बीवी टाइम साथ बिताएं इट्स नॉट दैट के स्ट्रगलिंग भी चाहिए हॉलीडेज भी चाहिए प्रॉपर थोड़ा बहुत खा ले मेन बता औरत को हमारे एक दोस्त था वो हनीमून पे उम्रे पे ले गया अपनी बीवी को वापस आया तलाक हो गई क्यों कि कहीं घुमाने नहीं लगी गई वैसे बताओ फहद ये तलाक शादी ना कमिंग एक कंक्लूजन ये सब किस्मत का खेल है किस्मत है लेकिन आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा एक ब्रेक की तरफ भी हमने जाना है और कॉलर भी हमारे साथ है कॉलर ले पहले बात करें उनसे जी अस्सलाम वालेकुम जी कौन है हमारे साथ अब्दुल वली बात कर रहा हूँ मेलबर्न से जी सर कैसे हैं आप ठीक हैं अल्लाह का शुक्र आप सुनाएं कैसे वली साहब क्या लगता है आपको आजकल शादियां क्यों टूट रही है इतनी व्हाई व्हाट इज द रीजन इसके बहुत सारे रीजन है एक नहीं एक तो मैं कहूंगा क्योंकि वहां का जो मुआशरा मतलब दीन से जितना हट गया है एक वजह वो भी है और मतलब टीवी मतलब जिस तरह का टीवी और मीडिया एक्सपोज कर रहे लोगों को वो दूसरा रीजन है और फिर उसी तरह रीजन बढ़ते जाते हैं क्योंकि मैं वहां पे भी था तो ऐसे ही था लेकिन जब इंसान अपने मुल्क से बाहर जाते हैं ना तो एहसास होता है इंसान को कि भाई हम लोग बाहर जाके दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनानी है ना कि वो हमें एज इस तरह का ट्रीट करेंगे मतलब आप शादीशुदा हैं जी आप शादीशुदा हैं नहीं अभी तो नहीं तो क्या ढूंढ रहे हैं आप लड़की में क्या होना चाहिए बस मतलब जिस तरह अल्लाह का नबी बताता है उसी तरह का होना चाहिए मतलब पहले दीन ही लिहाज से देखना चाहिए फिर उसकी सीरत देखनी चाहिए उस तरह दीनी लिहाज से देखना चाहिए
ठीक है, क्योंकि हर बात है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है मतलब उसमें फेसबुक और ये दूसरी चीजें भी आ जाती हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, एनवायरमेंट काफी खराब कर दिया। मेरे पास पहले थी लेकिन फिर मैंने उसके लिए मतलब अच्छा नहीं समझा। आप इस्तेमाल करते हैं फेसबुक ट्विटर वगैरह? नहीं, मेरे 2-3 साल पहले थी, मैंने फिर उसको डिलीट कर दिया, जिस तरह के वहाँ पे वाकयात होते हैं या जो देखा है मैंने अपने साथ दोस्तों को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, आपने हमसे बात की। छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे और जब वापस आएंगे तो इस हवाले से भी बात करेंगे कि आजकल ऑप्शंस इतने ज्यादा जो बढ़ गए हैं उसका क्या करना है। आप किसी मॉल चले जाएं, 10 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं आसानी से, तैयार रेडी, तो फिर क्या करें? आप एक इंसान के साथ खुश रह रहे हैं और आप किसी ऐसे को देख रहे हैं जो आपको कुछ ज्यादा खुशी देने के मूड में, तो आप क्या करेंगे? कहीं जाएगा मत, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी, जागो पाकिस्तान जागो में एक बार फिर खुश आमदेद। इससे पहले हम बात कर रहे थे शादियों के हवाले से, रिश्तों के हवाले से और स्टैंडर्ड्स के हवाले से कि जो आजकल लड़कियों ने बना लिए हैं या फिर लड़कों ने बना लिए हैं, लेकिन हम अब जानना ही चाहेंगे कि वालदैन क्या सोचते हैं, उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, या वो जब किसी रिश्ते की तरफ जाते हैं तो क्या कुछ चीज़ें देखते हैं उसमें। हमारे साथ यहाँ पर मिसेज महबूब मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी के कुछ तजुर्बात हैं उन वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे, और उनके साथ उनकी बेटी हैं यहाँ पर फरवा, जिसके रिश्ते के लिए आज हम बातचीत भी करेंगे और जानना चाहेंगे क्या किस किस्म का रिश्ता वो चाहती। अस्सलाम वालेकुम, इसमें कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कैसा रिश्ता चाहती हैं आप अपनी बेटी के लिए? जैसे एक माँ अपनी बेटी के लिए चाहती है, अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, शरीफ हो। अच्छा जी, एजुकेटेड हो। ये कहाँ मिलते हैं आजकल? तो नहीं मिलते। आपकी बेटी ने क्या किया हुआ है आप बता सकते हैं? वो अभी एजुकेशन ले रही है, इंटर किया हुआ है। इंटर? अच्छा, इंटर शुरू करेंगी। ठीक है, तो अभी आप इसको पढ़ने क्यों नहीं दे रही? थोड़ा सा पढ़ने दीजिए, या जा रही है बीए? मैं चाह रही हूँ कि ना अभी जैसे रिश्ता हो जाए, चलो एजुकेशन कंप्लीट कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, तो 2 साल मतलब आपके पास है अच्छा रिश्ते तलाश के लिए। मैंने एक और चीज देखी है आजकल, आप लोग भी शायद इस बात को नोट कर रहे होंगे कि पेरेंट्स चाहते हैं कि, हालांकि पढ़े लिखे पेरेंट्स जितने हैं वो सब चाहते हैं कि लड़कियों की जल्दी शादी हो जाए। क्या कोई खौफ है, कोई डर है? हालात और माहौल इस तरह के हैं कि वो चाहते हैं कि खुद ना कर ले इसलिए हम जल्दी कर लें। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे क्या बात, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। असल में मेरे अपने तजर्बे जो है वो इतने खतरनाक है कि मुझे ऐसा सोचना पड़ता है। किस हवाले से, कैसे तजर्बे हैं आपके? मेरे अपने 2 शादी के तजर्बे। अच्छा, पहली मेरी शादी हुई लव मैरिज जी। अब आज आपका टॉपिक है तो बहुत अच्छा है कि मुझे कुछ कहने का मौका मिल गया। जी जी। वो शादी मेरे ख्याल से 1 साल चली। वजह? वजह ये कि शादी से पहले बड़े ख्वाब दिखाए गए। कैसे ख्वाब? यही कि ये करूंगा, वो करूंगा, खुश रखूंगा, फलाना ढिकाना, लेकिन शादी के बाद असल पता चली कि ना वो कुछ करते हैं साहब, और ऑलरेडी उनकी 1 बीवी और 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। झूठ, बुनियादी झूठ बोल के। जी जी बिल्कुल। ये आपको 1 साल के बाद पता चला? नहीं, पता तो जब मैं रुखसत होके प्लेन में बैठी हूँ जब मुझे पता चला है। अच्छा, इन चीजों के अलावा पता चला बीवी का, वैसे एज अ पर्सन आपको चाहते थे, कभी आपको लगा, आपका ख्याल रखा, चले पैसा एक साइड में हटा दे, नहीं है उसके पास पैसा, नहीं कमा सक रहा, कोशिश भी कर रहा है। एक होता इंसान जो बिल्कुल ढीठ होता है, उसको पता है कि झूठ से मैंने इसको हासिल करना है, अब ये कमाएगी करेगी कुछ भी है, मैं तो नहीं कर रहा, लाड साहब की तरह बैठा हुआ हूँ। यही रीजन था। हाँ, कमाएगी, मैं जॉब करती थी जी, तो मैंने कहा ये कमाएगी और मैं बैठ के खाऊंगा। ठीक है, मतलब वो फीलिंग्स ही नहीं थी उसको कि मैं हालांकि आप यकीन करें कि जब मुझे पता चला कि वो मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं और उसकी मिसेज को पता चला, मैंने खुद जाके उसकी और उसकी मिसेज की सुलह करवाई है। ये तो आप, ये तो बहुत ग्रेट बात है जो आपने किया, लेकिन आपने कैसे इतनी जल्दी शादी, आपने थोड़ी मालूमात नहीं की? नहीं मालूमात की, जहाँ वो जॉब करता था वहाँ यही पता था वो अनमैरिड है। नहीं नहीं, वो तो कुछ भी मालूमात करवाई पता ही नहीं था। सारे रीजन अंबर, तो आपको पता होता है, जब तक आप साथ नहीं रहते तभी खानदान होना बहुत जरूरी है। ये मोटी मोटी चीजें कि लड़का मैरिड है या किसी रीजन से पता होता है। नहीं नहीं, मैंने इसलिए बात की थी कि खानदान का होना जरूरी है। इन्होंने सिर्फ लड़के को देखा, लड़का कुछ भी कह ले, जब वो इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है तो औरत प्यार की भूखी है। मतलब आप क्यों जाती है औरत से, तो प्यार की भूखी क्यों है इतनी? मैं बताऊं फहद, बेसिकली औरत को खुश रखना माँ बाप से नहीं मिल रहा प्यार,
मजाक उसमें मजाक नहीं कर रहा है ना, सीरियस मुझे एक बात बताएं, आप नाइन्थ में टेंथ स्टैंडर्ड में अचानक से आपको मोहब्बत हो जाती है और आप घर से भाग के चले जाते हो, मतलब क्या किसी माँ बाप ने तो आपको नहीं सिखाया होगा ना ये सारी चीजें कि यार क्या भाग के चले जाते हैं, आपके साथ आपके दफ्तर में आपके लोग बहुत लोग काम करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, लेकिन आप जिसके साथ रिलेशनशिप में आपकी लव थोड़ा अफेयर रहा होगा जितने भी दिन रहा, ये तो आपका फर्ज था उस लड़के का मालूमात करना कि आया वो झूठा है, मतलब कुछ तो आप मालूमात करती ना। एक्चुअली ये भी था कि वो आउट ऑफ सिटी था, ठीक है, मतलब मैं कराची में वो लाहौर में। चले अब आपके आपके तो मामला जो अल्लाह ताला ने बेहतरी कर दी अब माशाल्लाह से बहुत बेहतरी। दूसरा ये हुआ, नहीं दूसरा मेरा अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे वो ठीक है। दूसरा ये हुआ कि मेरी जब मेरे मतलब बड़ों ने देखा, मेरे बहनों ही वगैरह ने देखा कि ये हालात हैं, तो उन्होंने कहा ऐसे गुजारा नहीं, आज एक बच्ची है कल को दो तीन बच्चे, इस आदमी ने नहीं सुधरना, सही बात, तो इससे बेहतर है सही बात कि डिवोर्स कर दो। मेरी फैमिली मेंबर्स ने कहा कि अभी एक बच्ची है हम लोग देख लेंगे तुम्हें, लेकिन आगे दो चार होंगे तो हम भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। फिर मैंने ये भी देखे, बहुत बड़ा पॉइंट है कि फैमिली मेंबर्स ने सपोर्ट किया। बिल्कुल, कि उनको पता था कि वो लड़का बिल्कुल सही नहीं, वो आदमी अपनी, क्योंकि उनको फीलिंग, आजकल कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो कहते हैं बस शादी कर दी, अब जैसा भी है निभाओ, वो एक अलग केस है, लेकिन आप रिश्ता अपनों से नहीं कर सकते, आपके माँ बाप की फीलिंग्स आप छोटे थे या बड़े या आप बच्चे वाले हो गए वो रहती हैं, तो यहाँ पे उन्होंने देखा एक आदमी बिल्कुल नाकारा है और ये मेरी बेटी खुश नहीं रह सकती, इसको बेटी का बिल्कुल ख्याल नहीं, झूठ है, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि आज उन्होंने हिम्मत। अच्छा, इसमें मैं तारीफ करना चाहूंगी अपने बहनोई की, जी जी। मेरे बहनोई ने जो स्टेप लिया, उन्होंने मेरे डाइवोर्स करवाई और फिर उन्होंने अपने घर पे मेरी इज्जत करवाई, और क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं थे, बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद उन्होंने एक काम ये किया कि अपने छोटे भाई से जो अनमैरिड था उससे उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे मसला है, उन्होंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि वो बचपन से जानते थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, उन्होंने अपने छोटे भाई से मेरी शादी की। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अब आपकी बेटी जो है माशाल्लाह से शादी के लिए आप आई है यहाँ पर, तो क्या चाहती हो तुम, मुझे बताओ लड़का कैसा होना चाहिए? एजुकेटेड हो, एस्टैब्लिश हो, एस्टैब्लिश हो के मतलब अंडरस्टैंडिंग भी हो, तो जो एस्टैब्लिश होगा मतलब तुमसे उम्र में बहुत बड़ा होगा लेकिन फ्यूचर के लिए मैं फ्यूचर सोच रही हूँ ना कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, बस ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो जो यंग बिल्कुल सही बात की, जो यंग लड़के होते हैं जो खुद जिनका बिजनेस नहीं होता पेरेंट्स का, वो उनको टाइम लगता है, ठीक है ना, अपनी कमाई करना, इज्जत की कमाई, ईमानदारी के टाइम लगता है, अगर ईमानदारी से करानी है तो। हाँ सही है ना, उसमें टाइम लगता है। अब उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए कि कम से कम 30,000 रुपए महीना तुम गुजारा कर सकते हो, नहीं कर सकते 40,000, इससे ज्यादा 25-30 एस्टैब्लिश की है तो क्या जहन में फिगर क्या, ये सब चीजें होनी चाहिए। आप क्या समझती है, बड़ा हो भले एज में, इतना भी बड़ा ना हो, मतलब बड़ा भी ना हो, एस्टैब्लिश भी हो, गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, और 5-6 years का एज डिफरेंस तो होना चाहिए, 5-6 years का। एंड यू आर राइट नाउ 18 आपकी बहुत ज्यादा, और इसके अलावा मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त फरुख की आज सालगिरह है, उसको हम बर्थडे विश करेंगे, सारे मिलके हैप्पी बर्थडे कह दीजिए फरुख को प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू फरुख, हैप्पी बर्थडे डियर फरुख, हैप्पी बर्थडे टू यू, हमने गा के विश किया बहुत। आज कितने लोगों की बर्थडे है, आज आपके हस्बैंड की भी बर्थडे है, मेरे हस्बैंड की भी बर्थडे है यार, देखे यार आज सबके लिए माशाल्लाह से पाइसेस है माशाल्लाह, और बहुत जल्द मेरे अब्बा की भी बर्थडे आने वाली है, वो भी पाइसेस है। एनीवे आगे बढ़ते हैं जी, बात हम कर रहे थे इस हवाले से कि एस्टैब्लिश लोग थोड़े से उम्र में बड़े ही मिलेंगे आपको, और यू आर ओके विद दैट, ये बात सीधी सीधी सी हो गई, प्यार हो गया किसी से तो क्या करोगी, नहीं प्यार प्यार नहीं करूंगी, नहीं नहीं करूंगी नहीं, नहीं अगर हो गया सवाल अच्छा है, प्यार नहीं जाता जाता है, दिन दिया नहीं जाता खो जाता है, वैसे बड़ा अच्छा सवाल था फहद का, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। हाँ। अभी तो आपने सब चीज सोची नहीं है, हमने तो कभी नहीं सोचा था, हम तो कह रहे थे प्यार ही प्यार हो। हाँ, कुछ का हो लड़के के पास कुछ प्यार बहुत करें। आज आप बैठी चैनल पे आपको पूरी दुनिया में सब देख रहे हैं सुन रहे हैं, ठीक है,
आज आपने कहा कि इतना डिफरेंस होने चाहिए, मतलब यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये लड़का हो तो मुझे सही पढ़ लिखा, लेकिन अचानक कोई इंटर पास है, आप ही की उम्र का है और वो प्यार हो गया, प्यार नहीं अंबर, आजकल की जो ये जनरेशन है ये इनका बड़ा माइंड सेट है, इसका मतलब हो ही नहीं सकता, आई लाइक प्यार हो गया, हो ही नहीं सकता जो इंटर पास है ऐसे नहीं, ये दे आर वेरी प्रैक्टिकल, ये प्यार का होना तो नेचुरल है यार, नहीं नहीं मैं बेटी से पूछती हूँ कि अगर कोई आपको पसंद है तो आप मुझे बताओ, अगर अच्छा हुआ तो हम कर देंगे, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वो कहती है नहीं मम्मा, पापा और मम्मा जो चूज करेंगे वही ठीक है। वैसे बहुत अच्छी बात, अंजुम ने कहा ना आजकल की लड़कियां जितनी आजकल बाकी बहुत समझदार लड़कियां हैं, वो बहुत सोच समझ के ना वो कोई गलत बात बर्दाश्त करती हैं, बहुत ही कैलकुलेटेड, ये नहीं कि बस आया तो प्यार कर ले, वो सोच प्यार भी सोच समझ के जिसके पास सब कुछ है उससे प्यार, जिसके पास तो बेसिकली तो फिर उससे प्यार नहीं ना हुआ, फिर प्यार तो हो गया, प्यार सारी जिंदगी तो वो नहीं होगा, प्यार ही खाते लालची लोग हो तुम लोग, बंदे से प्यार होता है ना तो उसकी चीजों से ऑटोमेटिक हो जाते हैं, मुझे तो लगता है जैसे चीजों से प्यार हो जाता है तो बंदे से ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, ऐसा जो आपके साथ अच्छा हो आपकी जरूरतें जिंदगी पूरी, आपने अपने हस्बैंड को चीजें देख के प्यार किया था, नहीं देखो चीजें देख के नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये था कि ये बहुत अमीर बाप का बेटा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेम हियर, सेम हियर, लाइक मुझे भी एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, मुझे प्यार पहले हुआ नहीं ना, हम एक जैसे, मैं इस बात पे मैं अपनी बीवी की बहुत तारीफ करूंगा, मेरी बीवी ने मेरे साथ बाइक पे भी जिंदगी गुजारी है, हमने रक्षों में भी सफर किया है, हमने पैदल भी सफर किया है और आज हम साथ ग्रो किए, तो एटलीस्ट मैं उसको और उसके माँ बाप के लिए बहुत सारी चाहिए, और मैं बता एक बात है, और फहद की बात है कि अपनी बीवी को वाकई बहुत पसंद करते हैं, बहुत उसको अप्रिशिएट, बहुत बड़ी बात है, देखो फहद तुम लोग लालची नहीं, चुप करो, मैं लालची नहीं हूँ, हर इंसान को कंफर्टेबल लाइफ, हर लड़की का राइट है कि उसको कंफर्टेबल लाइफ वाला अगर लड़का दिख रहा है, वो लड़का उसको पसंद कर रहा है, वो उससे, मेरी भी लव मैरिज है, तो ये अगर वो गरीब होता तो मुझे भी पता है लड़ लड़ के मेरे माँ बाप से नीचे स्टैंडर्ड को होता, मैं कैसे गुजारा करती, अच्छा। अगर वो मुझसे कहता ये तो फिर प्यार आजकल नहीं, तो वैसे ही लड़ लड़ के आधे हो जाते, छोड़ देते, तो फिर प्यार तो नहीं एग्जिस्ट करता ना, प्यार खत्म, अमर नहीं, देखो प्यार नहीं है, खत्म हो गई बात, एक ब्रेक, प्यार नहीं है, इंसानियत होनी चाहिए, ख्याल होना चाहिए, प्यार व्यार से, लैला मजनू एक साथ नहीं हुए, लैला से मिल लो कभी, साथ नहीं हुए कभी, लैला से मिल लो लग पता जाएगा प्यार क्या होता है, नहीं नहीं मैं सच्चा प्यार करती हूँ, मेरी शादी है अभी भी निभ रही है, नहीं ऐसी बात, चलो तुम्हारा छोटे से ब्रेक की तरफ जाके कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक जी, समंदर डोल गया, ओ हो, मन साथ समंदर डोल गया, जो तू आंखों से बोल गया, ले तेरी हो गई यार, सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार, सजना वे सजना, मन साथ समंदर डोल गया, तेरे प्यार में ये बिन बोल गया, ले तेरी हो गई यार, सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार, सजना वे सजना, तू और किसी का ना हो ना, मैं जीते जी मर जाऊंगी, तेरी खातिर दुनिया से अब तन्हा ही लड़ जाऊंगी, और किसी का ना हो ना, मैं जीते जी मर जाऊंगी, तेरी खातिर दुनिया से अब तन्हा ही लड़ जाऊंगी, मैं देखूं मैं बात करूं, मैं देखूं मैं बात करूं, तेरे साथ जीऊं तेरे साथ मरूं, ले तेरी हो गई यार, सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार, सजना वे सजना, तुझ भर लूं अपनी आंखों में, फिर आंखों को मैं खोलूं ना, बोलूं अपनी बातों में, फिर इस दुनिया से बोलूं ना, भर लूं अपनी आंखों में, इन आंखों को फिर खोलूं ना, बोलूं अपनी बातों में, फिर इस दुनिया से बोलूं ना, मैंने तुझको कहा पिया, मैंने तुझ
तुझको कहा पिया ये तन मन तेरे नाम किया ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना क्या बात है बहुत मजा एक मेरा गाना अच्छा और दूसरा इनका ड्रेस बहुत अच्छा ओ थैंक यू सो मच ओके मैन कॉफी पेंसिल तैयार रखे नंबर नोट डाउन कर सकते हैं जुबी डिजाइनर्स और जो कि 0300 3555752 क्या बात है मैं जाऊंगी लेने जरूर जरूर बिल्कुल हो गया आप लोगों का अब शो आगे बढ़ा देखिए जिंदगी में अगर एंटरटेनमेंट नहीं है जिंदगी एंटरटेनमेंट जनाब हमारे साथ एक कपल यहाँ पर मौजूद है जिनकी शादी को अभी सिर्फ एक माह हुआ है और अरेंज मैरिज हुई है ये देखते हैं कि क्या हुआ इस शादी में कैसे हुई और इन्होंने एक दूसरे को कैसा पाया ऐसे दौर में जब खवातीन जो हैं वो बहुत ज्यादा पैसे के बारे में सोचती हैं जब मर्द बहुत हसीन लड़की के बारे में सोचता है और शायद कहीं कहीं ये भी सोचता है कि जब वो आएगी तो बहुत कुछ लेके आएगी और शायद मेरी जिंदगी सेट भी हो जाएगी हमारे साथ यहाँ पर हैं अरशद अली और उनकी बेगम पूरा अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं खैरियत से हैं एक माह हुआ सर कैसा महसूस कर रहे हैं पहले से बेहतर है हल्का हल्का या भारी पहले से बेहतर पहले से बेहतर है क्या मतलब है पहले ट्रिप लगी नहीं थी असल में लाइफ बैलेंस अब ही होती है ना शादी के बाद ही अब शुरुआत हुई इससे पहले तो मैं पगला सा था नहीं नहीं पहले तो थी सिर्फ एक जिम्मेदारी थी वालदेन की अच्छा अब एक वालदेन की बहनों की उसके बाद शादी के बाद दो फैमिली हो जाती हैं अच्छा एक ससुराल एक अपना घर एक महीना जब भी तो सरूर में है अभी अच्छा आपने इतना टाइम क्यों लगाया शादी का शादी का बस वही था कि ढूंढ रहे थे सही सेट हो रहे हो जाए सेट होने में इंसान जो है कितना थक जाता है वैसे आपस की बात है वैसे थक तो जाता है थक जाता है ना आदमी ऐसा होता है क्या खूबियां देखी आपने इनमें जो आपने शादी की इनसे मेरे घर वालों ने देखा था उसके बाद थोड़ी बहुत बात हुई तो फिर अरेंज मैरिज की बात थोड़ी बहुत इतने फर्माबरदार हैं आप गई थी आपस में इतने फर्माबरदार हैं आप माशाल्लाह जी जी जो माँ बाप ने कहा वो कह कर दिया खुश भी है ना फिर और खुश है फर्माबरदार के साथ साथ लड़की पसंद आई अगर नहीं पसंद आती तो कहते अम्मा ये इनसे नहीं कोई और ढूंढे ये बात होती अच्छा जब पहली बार आपने देखी लड़की जी तो क्या दिल में आया ख्याल तो बस ये था कि ये लड़की लड़की अच्छी है शर्मा रही है ये था कि लड़की अच्छी है पहली बार नहीं दिल की घंटी अमूमन एक टंग टंग एक को देख के घंटी बज जाती ऐसा तो हुआ होगा घंटी हर इंसान आपको अट्रैक्ट नहीं करता आपने कितनी लड़कियां देखी सेट होने के बाद दो तीन लड़कियां देखी उसमें जाहिर आपको ये बेस्ट लगी जी मेरे घर वालों को आपके घर वालों को आपने नहीं देखी मैंने देखी थी जब बातें वगैरह तय होगी रियासत होगी तो उसके बाद मैंने देखी अच्छा बातचीत की आपने ये तो बहुत ही सादतमंद है घर वालों ने सेट कर दिया सब कुछ फिर ये देखने अच्छा आदमी है हाँ, बहुत शरीफ है बहुत शरीफ तो फिर इसका मतलब के अच्छे और शरीफ आदमी है अच्छा आप इनकी बेगम से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो आपको माशाल्लाह कैसे हैं ये बहुत अच्छे एक महीने में पहचान लिया आपने नहीं तीन महीने पहले बातचीत भी होती रही है ना बातचीत भी करते थे आप क्या बातें करते थे आप सारी बातें आप ही करते हैं क्या बातें करते गाना सुनाते थे नहीं वो तो अभी तक भी नहीं सुना नहीं इनका इनका मकसद ये है मैं सवाल को सही कर दूं कि जो ये शादी तीन महीने पहले जो आपने इनका टाइम गुजारा मम्मी का रोमांस था और एक महीना भी हुआ है मियां बने हुए तो अभी कुछ वैसी है या बिल्कुल शेर सुनाया या शुरू से ऐसी है सिंपल इनके लिए मेरी फैमिली ने कहा था कि ये बहुत ज्यादा ना ठंडी तबीयत के धीमे लेकिन मैंने इनको पहली नजर में देखा मैंने कहा ये बहुत गुस्से वाले अच्छा और मैंने कहा मुझे तो गुस्सा आता ही आता है इनको भी आया तो क्या होगा इतनी अच्छी पहचान है मतलब जी पहली दफा तो मैंने सबने कहा ये गुस्से वाले नहीं है मैंने कहा नहीं ये गुस्से वाले हैं फिर इन्होंने वन मंथ के बाद मुझसे रजब के चांद की मुबारकबाद दी नहीं गुस्सा नहीं नहीं बातचीत में किसी में हुआ बातचीत रजब के चांद की मुबारकबाद दी अल्लाह दिल हज की सॉरी दिल हज की मुबारकबाद दी तो फिर मैंने इनको ये कहा बस हमारी लाइफ में गुस्सा नहीं आए और एक ये कि जब हम शुरुआत करें नहीं मैं भी नहीं करूँगी नहीं मैं भी नहीं करूँगी बस ये है कि मैंने कहा इस चीज को आप बैलेंस करें बाकी सारी चीजों को मैं बैलेंस करूँ चलो वेरी क्या बात है बहुत वेरी नाइस बहुत
बहुत सारे कॉलर्स भी साथ साथ में जी, उनसे भी साथ साथ में बात करते चलेंगे, देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी साकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साकिब साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। साकिब साहब क्या कहना चाहेंगे आज के शो के हवाले से? सर मैं आज ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे दीन इस्लाम में जो है बहुत लड़की और लड़के दोनों को फ्रीडम दिया गया है अपने लाइफ पार्टनर चूज करने का। जी जी। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ जो लव मैरिज होती है उसमें ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लव मैरिज होती है उसमें प्रॉब्लम होते हैं, तो अब लड़की या लड़के का फर्ज बनता है कि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अच्छा जी। और हमारे यहाँ ये होता है कि प्रॉब्लम्स होते हैं और फिर वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर, पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर, तो उसमें ये होता है कि फिर जो है मतलब ये कि हम, ये हमारा अपना डिसीजन होता है तो हमें अपने मसले जो है खुद मतलब सॉल्व करने चाहिए। तो ये लव मैरिज का एक ड्रॉबैक जो है वो ये है कि जब भी कोई मसला हो तो फिर कोई और इन्वॉल्व ना हो क्योंकि आपका अपना डिसीजन है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ मैं। लेकिन लव मैरिज अगर पेरेंट्स की ब्लेसिंग से हो तो उनकी इन्वॉल्वमेंट तो हमेशा, वो तो फिर मजबूरी बन जाती है ना पेरेंट्स की। बात गलत, लव हो या अरेंज हो, इन्वॉल्वमेंट की बात, पेरेंट्स तो जरूर, लव मैरिज से नहीं। मकसद ये देखे उनकी बात, वो एक तरह से वो जो कहना चाह रहे हैं मे बी ये है कि बहुत सारे देखे, ये एक तरफ आपका स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, अब चाहे जुल्म हो रहा है लड़की पे, मियां बहुत ही खराब है, उसको मारता भी है, लड़की को कसूर नहीं है, छोटे थप्पड़े मार रहा है, उसके नींद पड़ रहा है, पेरेंट्स सब भी चुपचाप बैठे रहे, ये चीज गलत है। प्यार किया खुद भुगत, हाँ ये चीज गलत है। नहीं, अगर आप समझते हैं, और हर पेरेंट्स इतने समझदार है, कोई पेरेंट अपनी लड़की का घर कभी बर्बाद नहीं करेगा, आबाद करने की कोशिश करेगा। कहीं कहीं इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स का बहुत जरूरी होता है, जहां वो लड़की को भी समझाते हैं और अपने दिमाग को जो कि बेटा समझने को समझाते हैं जोड़ने के लिए, ये चीज है। अगर हम कहते हैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं, तो एक आदमी जिसको पता है वो गलत किए जा रहे, बीवी कह रही है ना, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, तो पता नहीं चलता कि मैं गलत कह रहा हूँ या बस ठीक है चुप बैठो, सुना दिया डांट दिया, औरत फिर भी बैठ जाएगी। अरे एक मिनट, मीरा की कॉल आ गई, मीरा की। अच्छा मुनीरा की कॉल, मैं सुना मीरा की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हम तो डर गए थे कि मीरा की कॉल आ गई। शादी के हवाले से मैं टॉपिक पे कुछ कहना चाहूंगी। जी फरमाइए फरमाइए, बोलिए। ये कहना चाहूंगी कि ये जो कह रहे हैं ना कि सेट हो जाए और बिजनेस अच्छा हो और कमाने वाला हो और ये और वो, ये तो सब जो है वो मैंने सुना है या है, ये तो कि फैक्ट है कि औरत की किस्मत से होता है सब कुछ, मिलता है औरत के नसीब से, मिलता है सब कुछ, बीवी के नसीब से मिलता है सब कुछ। अच्छा सही कह रही हैं। और बाद में औलाद के नसीब से मिलता है। बिल गेट्स की शादी नहीं हुई हुई भी है मेरे जी? नहीं नहीं बोले आप, बोले मैं सुन रहा हूँ। मेरी नॉलेज, मेरे उसमें कोई मेरी एक्सपीरियंस है ये मेरे खानदान का, कि एक बहुत अच्छे खानदान में मेरी कजन की शादी हुई, बहुत बिजनेसमैन था, बहुत अच्छा, बहुत एस्टेब्लिश, और शादी के बाद वो बिल्कुल कंगाल हो गया। तो इस पे क्या कहेंगे आप लोग? आपकी बात सही भी है, सही कह रही हूँ। हदीसों में भी एग्जाम्पल है इस बात की कि बीवी की वजह से औलाद मर्द के, हाँ कि बिल्कुल किस्मत बीवी की वजह से रिस्क जो है वो बीवी के नसीब से होता है। हमारे जब आपकी शादी हुई थी तो रिस्क में बढ़ोतरी हुई थी? हाँ हुई है, मतलब बिल्कुल हुई है कि वो वैसे ही वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग है कामरान का, और वो माशाल्लाह मल्टीप्लाई ही हुए हैं। अच्छा मल्टीप्लाई बिल्कुल हुए हैं। आपकी जब शादी हुई तो ऑलरेडी रिस्क में बरकत थी, ऑलरेडी इतना रिस्क था वो, मैं वो तो आपको देख के भी लगता है कि मतलब माशाल्लाह बोला माशाल्लाह चीज, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आपको लगता है कि इन चीजों को सीरियसली लेना चाहिए? बहुत सीरियसली लेना चाहिए, 100% बिल्कुल। ये बल्कि है भी कि जब भी आप थैंक यू माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये आपको देखें नजर बस से बचा, नजर बहुत करके निकले, नजर सबसे बड़ा जो है ना तबाही करने वाला तबाह नजर, कर देती है। मुझे बहुत लगती है नजर, नजर जब जब आप आती है मुझे लग रहा है लगी है। मैं बेचारी किसको नजर, मुझे खुद की नजर। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और पोटेंशियल कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद है, मोहम्मद अहमद उनका नाम है, 22 साल उनकी उम्र है, मैट्रिक उन्होंने किया हुआ है और ज्वेलरी शॉप पे काम भी करते हैं। सामने कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? कैसी लड़की ढूंढ रहे हो मेरे दोस्त?
चल रहा है मैं ढूंढ रहा के बस है कि घर का ख्याल रख सके, घर वालों का, मेरे साथ लाइफ पार्टनर चल सके, ना कुछ टेंशन हो घर पे, ना कुछ अपनी बहनों का ख्याल रख सके, मेरी वालदा का ख्याल रख सके, ना जैसे होता है ना कि एक लड़की होती है कि ख्याल नहीं रख सकती, बहुत सी होती है, आते ही पहले दिन ही नंबर देती तुम एक मेड रख लो मामले का ख्याल रखे, बहनों का ख्याल रखे, भाई तुम क्या कर रखे, तुम क्या करोगे, वो तो बेचारी सब कुछ करेगी, अब तुम तो, क्या कर रहे हो, वही तो करती है सब कुछ, अगर वो ना करे शादी के बाद ही होता उससे पहले क्यों नहीं होता। कितनी गलत थिंकिंग है तुम्हारी, देखो बोलो कि मुझे एक अच्छी सी बीवी चाहिए कि मैं उसका ख्याल रखूं, मैं उसको ऐसा ऑटोमेटिकली मैं उसको इतना कम्फर्ट देना, आप कुछ देखो तुम इतना कम्फर्ट दोगे, जब तक हम मोहम्मद अहमद की पिटाई होते हुए देखते हैं आप एक छोटे से ब्रेक में जाएंगे, प्लीज बी वाई जाए वेलकम बैक जी, जागो पाकिस्तान जागो में एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदेद, और हमारे साथ कुछ और पोटेंशियल कैंडिडेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ में टैरो कार्ड रीडर्स भी यहाँ पर हैं, और आज वो बताएंगे आपको आपके मुस्तकबिल का हाल किस तरह से होगा, ये मुझे भी ऐसे जितना आइडिया नहीं है इस चीज का, कभी किया नहीं है, लेकिन आज हम जानना चाहेंगे क्या कुछ बताना जरूरी होता है। हमारे साथ सबसे पहले पार्सा जोगी और अंजुम जोगी, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इन लोगों के लिए जी, जोगी यंग जोगीज माशाल्लाह से, मैंने वही मैं समझी कोई आएंगे चश्मा वश्मा लगा के, कोई मूछों बुड्ढे, बड़े यंग टैरो कार्ड है और जोगीज भी हैं, जोगीज भी हैं माशाल्लाह से, ये क्या कॉम्बिनेशन है बड़ा बस कर जी हाँ, क्या कैसे बताते हैं, क्या होता है सिस्टम, क्या इसका सिस्टम ये है कि हमारे डेक में 78 कार्ड्स होते हैं, हमारे मैजिक टैरोज हैं, उसमें 78 कार्ड्स होते हैं, इन 78 कार्ड्स में आपकी लाइफ के सारे मूवमेंट होते हैं सिवाय डेथ के और बर्थ के, ठीक है, ऑल मूवमेंट्स जिसमें आप हैप्पी हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, ऑल मूवमेंट्स, ओके, इसमें हम आपको आपसे खुद एक कार्ड पिक करवाते हैं जिसमें आप जो सवाल करते हैं उसका जवाब देते हैं कि उसका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होगा। चलो सब कराओ पिक, कौन सा कार्ड, कमर का दर्द क्यों है, बताओ क्यों नहीं हुआ, कार्ड्स के थ्रू कैसे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग की अपनी कुछ स्पिरिचुअल फीलिंग्स होती होंगी, हाँ, जो आप लोग करते हैं दूसरे की स्पिरिचुअल फीलिंग्स पे जाते हैं, वरना ऐसा कोई कार्ड किसी का बता नहीं सकता, नहीं स्पिरिचुअल फीलिंग्स होती हैं, लाइक हमें इंट्यूशन आता है कि हमें इस टाइम पे इस कार्ड को देख के क्या बोलना है, ठीक है, इट्स अ होल साइंस, इसकी बुक्स है, नो कि ये क्या है, एक मिनट जान पता कर लेते हैं, हाँ, तो मैं सवाल जो पूछूंगा जवाब दोगी, हाँ, अगर आप सवाल रिलेटेड टू काम पूछेंगे लाइक डेथ का नहीं और बर्थ का, नहीं इन दोनों के अलावा पूछूंगा, पूछ लो सवाल पूछ लो, अच्छा तो ये कमर का दर्द कब ठीक होगा, इन्होंने पहले शफल भी नहीं किया, फहद ने पूछा, हाथ जिस पे पड़ जाता है ना वो तभी मैं जिसकी कमर में चुप पड़ जाती है, निकाल लू कोई भी कार्ड, रखे हटा लू, हटा लू, इसमें से कोई एक कार्ड चूज कर, नहीं आपके कमर का दर्द जल्द ठीक हो जाएगा जब आप इस पर बिलीव करने लगेंगे कि ये ठीक हो रहा है, यू शुड बिलीव ऑन इट कि ये हो रहा है, आहिस्ता 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 स्लोली स्लोली इस कवरिंग आप सोच पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी पूरी सोच पे डिपेंड करता है, जितना आप इस बारे में सोचेंगे कि ये हो रहा है, अच्छा हो रहा है और बेहतर होता जा रहा है, बेटा सुनो इलाज होना बेटा, ये बात तो मेरी बीवी भी बता सकती थी, मुझे 6 दिन से बता रही है बगैर किसी कार्ड के बता रही है, ये बात कितनी अच्छी है, कार्ड जानती है, सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस नोट ठीक हो जाएगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू हां कि वो आपको बहुत अच्छे से जानती है इसलिए वो आपको बता रही है, मैं आपके हाथ रखवाया अपने कार्ड्स पे मींस मैं आपको जान गई, इसमें आपको बता दिया कि आपके कमर का दर्द ठीक होगा जब आप सोचना बंद करेंगे, नहीं इसका मतलब ज्यादा दर्द नहीं है, इन्होंने ज्यादा आगे कहना चाहिए, हल्का फुल्का से ड्रामा ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हावी कर लिए, अच्छा यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं जैसे कि अंबर यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहूंगा अंबर भी कुछ आपसे पूछे और उसका आपसे अंबर प्लीज कम ऑन अंबर, सब पूछे सब पूछे, आप अंजुम क्योंकि आपका अंजुम अंजुम चल रहा है, क्या बात है, मैं खुद अपना जो मेरा कॉन्सेप्ट एक रियलिटी शो मैं कब करूंगी,
एज अ होस्ट अपना शो करना है मुझे। वाह भाई वाह, आप जरूर होगा। आप टेंशन की ले रही, मेरी कमर में दर्द होना शुरू हो गया तो ये जगह तो खाली होने वाली है। ये तो अंबर ने ही कुछ किया है जो तुम्हें। अंबर यार तुम ऐसे बोल रही थी। वही वाले कार्ड निकल रहे हैं जो मेरे पास टाइम पीरियड भी आ रहा है, मगर जो फर्स्ट कार्ड आया है उसमें यह आया है कि आप मतलब खुद इतना ज्यादा पोटेंशियल से नहीं चाह रही कि ये काम हो जाए। जब आप ये काम इतना ज्यादा पोटेंशियल से चाहेंगी कि ये काम होना चाहिए, अब इसका टाइम है, इसका टाइम पीरियड कि मैं ये काम स्टार्ट कर दूं या फिर इसके लिए ट्राई करूं, तो तब ये काम कम्प्लीटली हो जाएगा। आप अभी इस काम पे सिर्फ बात कर रही है, तवज्जो नहीं दे रही। ट्रू, सही है, क्योंकि मैं अभी तक मैंने एफर्ट नहीं किया। मुझे पता है मैं जाऊं बात करूं कॉन्सेप्ट लेके जाऊं, मैं खुद ढीलापन कर रही हूं, विच इज ट्रू। वेरी गुड, एंड आई नो वेरी गुड हो जाएगा। और टाइम पीरियड आ रहा है कि मार्च अप्रैल मई मतलब ये जो स्प्रिंग चलेगा इसमें इंशाल्लाह आप एफर्ट करेंगी और इंशाल्लाह सही सही मुझे पता है। हमारे पास यहाँ पर मोहम्मद अहमद भी बैठे हुए हैं। मोहम्मद अहमद की शादी कब होगी, ये सवाल हमने आज आपसे करना। आइए आइए सर, आइए। सबसे पहले आइए, शर्तें रख दी हैं। शर्तें तो बाद में देखते हैं ना, अभी देखते हैं कि होता क्या है। अरे हर एक यही शर्त होती है, फिर भी शादियां हो जाती हैं। फिर भी हो जाती हैं। तो जैसे में पड़े हद हो गई बात की कसम। हाँ मम्मी, मैं देखो शादी होगी नहीं होगी, होगी भाई। और अगर होगी तो वो खिदमत करेगी या नहीं करेगी, अम्मी से अच्छी रहेगी, घर का काम सवाल होना चाहिए भाई। फहद, इसने कहा होना ही ऐसी बीवी चाहिए जो सब कुछ वो करे, ये सिर्फ दफ्तर में रहे, शाम में आए, खाना खाए, टॉक शोज देखे, सो जाए। मसला वो समझ गई हुई, यहाँ इतनी ज्यादा हवा आ रही है। बैठते नहीं इस कुर्सी पर, मैं कुर्सी में कभी नहीं बैठता। मेरे साथ ही उनसे साथ साथ बात करते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फाज भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक नाजिया, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। क्या कहना चाहेंगी नाजिया? अबर अब आप ही से बात हो सकती है मेरी भाई? जी बिल्कुल जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम अबर, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन आज से मिल नहीं सकते। आपके लिए सूट भी बलोची कढ़ाई की बना के रखी है मैंने। जब भी आपका कहीं से एड्रेस मिलेगा इंशाल्लाह मैं आपके वहाँ भिजवा दूंगी, मैं खुद कढ़ाई करती हूँ। आपकी मुझे बहुत प्यारी है? लगती है, बहुत प्यारी लगती है। मैंने फर्स्ट टाइम मीडिया पे फोन किया है सिर्फ आपके लिए। आप अल्लाह ने आपको हमेशा खुश रखे, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच। कुछ पूछना चाहती हैं अंबर से, कोई सवाल पूछना चाहती हैं? अंबर आप ही बस मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अगर कभी इसका नंबर मिल जाए आप ही का तो मैं जरूर इंशाल्लाह दोबारा भी आप ही से बात करूंगी, लेकिन आज खुश नसीब हूँ जो आप ही से मेरी बात हो गई है। मैं बहुत पसंद करती हूँ, बहुत अच्छी लगती हैं, जितनी तारीफ करूँ वो कम है। अरे नहीं नहीं आप ऐसे कोई बात नहीं, आपका नंबर NCR में नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं आपसे मैं हमेशा अपने जब शो करती थी अपने कॉलर से मैं जरूर बात करती थी, मेरे शुरू से रहा है। सब आप दुआ करें कि अंबर जो चाहती हैं वो हो जाए। हाँ। क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत ही है जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग दुआएं करेंगे तो डेफिनेटली चीजें जरूर होती है। हाँ जी, क्या हुआ? थैंक यू। नहीं होगी? नहीं होगी शादी, बट कुछ हर्डल है इनका और मेरे हिसाब से जो दिमागी फुतूर है तेरा। जो तुम्हारा दिमागी फुतूर है उसको ठीक कर लो, शर्त हटा दो, तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। क्या 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 बता, ठीक है? हर्डल्स है, रुकावट है, बट मेरे हिसाब से तो यही रुकावट है कि इनकी जो शरायत है, इनका जो माइंड एक चीज पे सेट हुआ हुआ है वो चेंज हो जाए। लड़की मान ही नहीं रही, देखा वो इस डोमेन आई नहीं रही, सही बोला था नहीं बोला था मैंने, नहीं एक सेकंड, क्या माइंड सेट हुआ हुआ है भाई? बेचारा इंसान कह रहा है कि बीवी अच्छी आदत की हो, बड़ों का लिहाज करे। आप औरतें तो पीछे पड़ जाती है, गलत बात। बहुत अच्छा है कि वो ख्याल करे, लिहाज करे, मगर हर एक में हर एक क्वालिटीज नहीं हो सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी लड़की को वो तो पता ही नहीं चलता कि ख्याल रखने वाली नहीं, जब शादी होगी साथ रहेगी तो चीजें सामने आ जाएंगी। अंबर अगर मियां ख्याल रखेगा बीवी का, उसको खुश रखेगा, उसको ऑटोमेटिकली उसके अम्मी अब्बा बहन भाई सब कुछ अच्छा, आपको पूरा ऑरा अच्छा लगने लगता है। भाई मेरी टीम के मेंबर कह रहे हैं सब थ्योरी है, प्रैक्टिकल में होता होता नहीं, नहीं सब यही होता है। अनु कितनी शादी आपने करवाई है जो टूटी है आज तक, मुझे सच सच बताओ? बहुत कम टूटी हैं। अरे छोड़ो, यकीन करो जो पूरा रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड है, नहीं मैं बता रही हूँ। अरे रिकॉर्ड तो इस मुल्क के सारे पॉलिटिशियंस का ठीक नहीं है। नहीं 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 मेरा ठीक है, पक्की बात है। हाँ ठीक है, लेकिन चार पाँच साल में देखो तलाकें बहुत हो रही है, वही जो हमने शुरू में डिस्कस। आपने चार पाँच साल से काम करना शुरू किया? बकवास नहीं करो,
19 साल हो गए मुझे काम करते करते, और क्या, और थकी नहीं आप आज? नहीं थकी, मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा, मजा आता है शादी अंदर आके। आप आपके मजे के लिए हम एक और कैंडिडेट यहाँ पे लेके आए, अब उनके साथ हम बात करेंगे। जी हमारे साथ बात करना फजूल है। हमारे साथ हसनैन यहाँ पर मौजूद है, 24 साल उनकी उम्र है, इंजीनियर है और स्टील मिल में आप जॉब करते हैं माशाल्लाह से। माइक किधर है हमारे पास, हैंड माइक दीजिएगा जरा मुझे। जी हसनैन, किस किस्म की लड़की चाहते हैं आप? पतीला चलेगी? नहीं, डर गया मुझे। ऐसी बातें ना करें, बहुत अच्छी है। नहीं बिल्कुल, हमने कब कहा बुरी, तो आप लोग घबरा क्यों गए इस बात से? हाँ भाई, पतीला नहीं। नहीं, बिना मलिक कभी भी नहीं। मेरा नहीं यार, लड़की कुआरा बैठ रहा जाऊँ, कुआरा बैठ रहेगी। अच्छा, और मेरी सीरियस नोट, किस किस्म की लड़की देख रहे हो? अच्छी हो, समझदार हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो, ऐसी ना हो। अपने फैसले खुद करेगी तो फटे नहीं होंगे तुम्हारे घर? नहीं, ये असल में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, अब किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, शादी से पहले पेरेंट्स पे, शादी के बाद घर से खुद ही चली जाए। नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं, इसको एक कॉन्फिडेंट लड़की चाहिए। कॉन्फिडेंट, अगर मैं कोई काम बोलूं तो वो ये नहीं पूछे कैसे कब कहां, वो मुझे इतना समझे या उसके बाद इतना अच्छा उसका दिमाग हो कि वो खुद से अच्छी तरीके से करे कि मुझे वो पसंद आए। भाई ये क्या बात है, ना पूछो, ओवर कॉन्फिडेंट आ गई तो क्या करोगे? अब वो मतलब तुम एक बादशाह की जिंदगी गुजारना चाहते हो, एक कनीज ढूंढ रहे हो। ये क्या बात है, तुमसे पूछे नहीं, अच्छी बात है। मशवरा करना एक अलग है, फैसले करना अलग है। इसके साथ क्यों है? मेरी इसके साथ कमीशन कमीशन तो मिला। नहीं देखो, चाहे अंबर जो अलग करे लिहाज के बड़ों का ख्याल, उस पर आपने कहा कि तो एक कॉन्फिडेंट लड़की चाहिए, और बहुत से लड़कों को इस जमाने में एक कॉन्फिडेंट पढ़ी लिखी ओपन माइंडेड लड़की चाहिए। अरे भाई, ओपन माइंडेड जब तक शादी नहीं होती तब तक अच्छी लग रही थी, फिर बाद में तलाकें हो रही होती है। वो देखिए मोहम्मद अहमद यूं कर रहा, तुम्हें तो सिर्फ काम करना है, तुम्हें सिर्फ काम करवाना है, तुम्हें सिर्फ काम करना है। उसने कह दिया मैं घर में होना हूँ, वो सिर्फ काम करे, वो अम्मी का ख्याल करे, अब्बा का ख्याल करे। अच्छा भाई एक बात बताओ, काम करे, काम कर सकती है वो, इजाजत है इस बात की? जॉब वॉब अगर करती हो तो, अगर खुद से ख्वाहिश है या जरूरत है, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर शौक है तो, नहीं जो इतनी कॉन्फिडेंट है, नहीं तो जरूरी, जो इतनी समझदार है, जरूरी नहीं है। कॉन्फिडेंट लोग जॉब कर रहे हैं, अपना घर संभाल सकते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, घर संभालने में कॉन्फिडेंस हो बेसिकली, बाकी सब ठीक है? नहीं, अब जरूरी नहीं, घरेलू कॉन्फिडेंस हो, जब बाहर होना दुनिया जाए। में रहता है तो घर के साथ बाहर को, माहौल को, रिश्तेदारों को, सबको चाहिए। जहेज चाहिए, पक्की बात है? पक्की, लेकिन वो अपनी खुशी से जो भी देंगे ले लो। ये लड़की चाहिए ना? नहीं नहीं, असल में बस आज देख लेने का, जहेज नहीं चाहिए। जहाँ भी इनकी शादी होगी, जिसकी भी इनसे, अगर उन्हें जहेज मांगा तो आप, लेकिन खुशी से जो देंगे लड़ेगा। अब मेरी टीम 24 घंटे तुम्हारे पीछे होगी। शादी हो, कोई अगर एक पेंशन भी ली तुमने, नहीं नहीं, अगर ऐसा होता मतीरा से नहीं कर लेता। मतीरा जहेज देगी क्या? नहीं, लुक की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी बात, लुक, क्या बात है, मतीरा के लिए ताली होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद साहब आप लेंगे, जायज लेंगे आप? जी जरूर लेंगे। चलो इसी बात पे ब्रेक लेते हैं भाई। भाई तुम कभी बात नहीं कर रहे हो, जायज नहीं चाहिए, मासी को वो औरत भी चाहिए। वेलकम बैक जी, जाओ वासिन जागो में एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी भी पूछना चाहते हैं लोग, और आप कुछ पूछना चाह रही थी तो मैं चाहूंगा कि आप फरवा आ जाएं और अपना सवाल जो भी आपके जहन में वो आप पूछ लें। और उसके अलावा हमारे साथ सिद्रा भी यहाँ पर मौजूद हैं, 19 साल उनकी उम्र है और सेकेंड ईयर उन्होंने किया हुआ है माशाल्लाह से। उनकी अम्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। माइक लगा हुआ है आपको, माइक है आपके पास, मैं आपको माइक देता हूँ, माइक दीजिएगा सर जी। कैसा आप ढूंढ रही हैं लड़का अपनी बेटी के लिए? बस अच्छा हो बहुत, और पढ़ा लिखा लड़का हो, और अपना काम हो, अपना काम हो, खानदानी लोग हो, खानदानी लोग चाहिए। क्या होते हैं खानदानी लोग? सुकर एक्सी, ये मतलब आप ये कि खानदानी वाइज आप अच्छे होने चाहिए, बैक आपका अच्छा होना चाहिए।
बैग मतलब मेरी तरह कमा रहे हो, मेरी तरह कमर ठीक नहीं है तो मसला है? नहीं नहीं, मतलब ये कि पढ़े लिखे लोग हो और बैग एक्साइटेड हो, पढ़े लिखे हो, चाचा भी हो, सारा खानदान। देखो पढ़े लिखे में भी बहुत से बदमाश और गुंडे लफंगे होते हैं, पढ़े लिखे हो और जो है तहजीब तमीज वाले हो, ये एक कॉम्बिनेशन होता है, वरना पढ़े लिखे भी एक से खराब चीजों में पड़ जाते हैं। तो आपको एक तमीजदार और एक सुलझे हुए और शरीफ, शरीफ बहुत इम्पोर्टेंट, जिनको वैल्यूज पता हो, शरीफ की वैल्यूज। शराफत की बात कोई करता नहीं आजकल वैसे नॉर्मली, और किसी ने बोला शरीफ हो? अरे भाई शरीफ सबसे पहले होना चाहिए, खानदानी भी हो, शरीफ भी, खानदानी भी हो, शरीफ। खानदानी का मतलब ही शराफत है। अच्छा सिद्रा से बात करते हैं, सिद्रा बेटा क्या क्या जहन में है, किस किस्म का लड़का हो? मुझे लड़का गुड लुकिंग चाहिए, सलमान खान जैसा। ये चीज़ नहीं, सलमान खान जैसा नहीं, शरीफ हो और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो जो गुड लुकिंग होगा वो बहुत कम है कि शरीफ होगा, ऐसी बात नहीं है। हस्बैंड बहुत गुड लुकिंग है और बहुत शरीफ है, इससे गुड लुकिंग है। ये बात छोड़ो, अगर गुड लुकिंग हो तो 10 आजकल लड़कियां जो है ना, यहाँ खासी भी है, 10 लड़के पीछे पड़ेंगी, तुम टेंशन में रहोगी। क्या फायदा बहुत गुड लुकिंग का, गुड लुकिंग लड़का यही तो कह रही थी, इसके साथ अच्छा लगे। गुड लुकिंग होगा वो शरीफ 1% होगा जो लड़का गुड लुकिंग है, लो तो फा शरीफ नहीं है। फहद ने शादी कर ली, ये तो अभी नहीं तो गुड लुकिंग फहद को नहीं, माशाल्लाह गुड लुकिंग, ये तो मैरिड आदमी को नहीं, अभी हम अंबर डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर मैरिज गुड लुकिंग तो मुसीबत में औरत आ जाएगी, और 10 लड़कियां आज तो क्या करें, गंजा ले आए क्या? प्रेजेंटेबल हो, अच्छी आदत, शादी के बाद गंजा कर दें, कर दें। लड़कों गुड लुकिंग नहीं, अच्छा होगा, केयरिंग होगा, ख्याल रखेगा तो कुदरती प्यार आएगा, शक्ल लेके थोड़ी बैठने। अच्छा देखो एक बहुत गुड लुकिंग लड़का है, बहुत गुड लुकिंग लड़का है, कमाता वमाता नहीं है बेचारा, घर पे बैठ रहा था, निकम्मा निकल्ला है, बहुत कमाल का है, प्यार आता रहेगा, कोई बात नहीं है ना, जहर लगेगा जहर वो गुड लुकिंग। क्या तुम एक गुड लुकिंग लड़के को पाल सकती हो? मतलब सूरत नहीं, सभी कहते हैं ना सूरत से नहीं सीरत से मोहब्बत होती है, जब साथ रहते हैं आदत अच्छी होती है, ख्याल तो कुदरती प्यार आता है। लेकिन खैर इतना अच्छा होना चाहिए, मैं समझती हूँ कि दोनों एक साथ अच्छे लगे, दोनों ऐसा ना हो कि प्यार के चक्कर में जो है ना काला साथ बिल्कुल ही शक्ल आदमी ऐसा ना हो, गुस्सा आता है आपको, बस ज्यादा गुड लुकिंग भी ना नॉर्मल हो, तुम्हारे साथ तुम दोनों एक साथ अच्छे लगे। तुमने क्या बोला, काला क्या बोला तुमने? कुछ बोला नहीं, बोलो दोबारा से। हम लोग अच्छा है ना कि पहले चुपचाप पीछे खड़े रहते हैं, एकदम से आ जाते हैं। फहद हम लोग के एडवाइजेज से थोड़ा उसका ओपिनियन चेंज हुआ है कि बहुत गुड लुकिंग चाहिए। आज आज के शो में गुड लुकिंग होगा तो कैरेक्टर भी अच्छा नहीं होगा। मैंने कैरेक्टर नहीं कहा, मैंने कैरेक्टर नहीं कहा, उसके एक एटीट्यूड अलग ही होते हैं। अगर है, देखो है, अगर लड़की ही उसके लेवल की गुड इतनी अच्छी है, प्रेजेंटेबल जितना वो गुड लुकिंग है, अगर लड़की एग्जैक्टली उतनी ही अच्छी प्यारी है तो फिर सही है, अगर वो इतना गुड लुकिंग है लड़की एवरेज है तो लाइफ बहुत टफ होती है। लाख रुपए की बात, लाख रुपए ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात। अच्छा सवाल क्या पूछा था आपने, फरवा क्या शादी का सवाल पूछा था? बैठ गई फरवा ने शादी का सवाल पूछा था, क्या जवाब मिला हमें जोगी साहब? इनकी शादी के लिए जो टाइम पीरियड आया है वो हमारे पास इस साल के दिसंबर और नेक्स्ट ईयर का जनवरी फरवरी, ये टाइम इनकी शादी का है। तीन शादियां क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सीजन है, और अगर दिसंबर में शादी नहीं होती तो एटलीस्ट इनकी एंगेजमेंट हो जाना, बातचीत पक्की हो जाना, या ये पता चल जाना कि अब इनकी शादी कहाँ हो। चले आपको मुबारक, और अगर एंगेजमेंट इस टाइम पर हुई तो फिर उसके बाद 16th के अक्टूबर नवंबर में शादी फाइनल होगी। क्या बात है, बहुत जबरदस्त जी, अल्लाह करे कि आपकी शादी जो है वो जल्द से जल्द हो जाए और बहुत कामयाब रहे आपकी शादी, और आप खुश रहें, आपकी भी शादी ऐसे ही कामयाब रहे। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आज हमसे बात भी की, मिस अनिल ने भी बात की, अमर ने भी बात की, पिंकी ने भी बात की, काफी हैंडसम मर्दों के हवाले से बातचीत निकली और कैरेक्टर पे भी काफी इल्जाम तराशियां हुई माशाल्लाह से, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में। शादी एक गैम्बल है, किस्मत की बात है, जिसकी चल जाए जिसकी ना चले, लेकिन
एटलीस्ट इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि आजकल जो एक टॉलरेंस खत्म हो गई है, बर्दाश्त खत्म हो गई है, और वो दोनों तरफ से है, वो लड़के की तरफ से है, वो लड़की की तरफ से भी है, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा झुकना सीखे, और बात बात पर छोड़ देना, तलाकें और ये सारी बातें तो बहुत नापसंदीदा फेल है जी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा चैनल पर बैठे हुए, जो तलाकें हो रही हैं, जैसे जो तलाक देगा वो दूसरी शादी भी करेगा, ठीक है। बेस्ट ये आजकल जो डाइवोर्स के रेट्स हैं, मैरिटल अफेयर्स, आपके दूसरे अफेयर्स चल रहे होते हैं, आपकी शादियां, औरत औरत के ही घर बर्बाद करती है। जिस औरत ऑलरेडी मर्द शादीशुदा है, प्लीज आप उस मर्द को बिल्कुल उसके आसपास, आप उसे मर्द ही ना समझे, नहीं आप नहीं, यू हैव टू बिल्कुल जिस दिन औरत जो लड़की ये देख लेगी ये शादीशुदा है और इससे शादी नहीं हो सकती तो वहां रिलेशनशिप ना करें, वो छोड़ दे, तो ऑटोमेटिकली डाइवोर्स रेट्स कम हो जाएंगे। लड़ेंगे झगड़ेंगे मियां बीवी एक साथ होंगे, लेकिन जब ऑप्शंस मिलते हैं ना तो वो ऑप्शन कुछ लोग इंसानियत के तौर पे करते नहीं, बीवी है ठीक है उसको डाइवोर्स है, कुछ ऐसे होते हैं फॉरन डाइवोर्स दिया दूसरी शादी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिस इज अ वेरी स्ट्रांग वैलिड पॉइंट, ये चीज आपके साथ भी हो सकती है, तो इसको जरूर फोकस कीजिए माइंड। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे को मुलाकात होगी, तब तक नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बाय बाय।